लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेश भोर ने आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। लोक नेता गणेश नाइक ने राजेश भोर एवं उनके समर्थकों को बीजेपी का झंडा थमाकर पार्टी में प्रवेश कराया। इस अवसर पर लोक नेता गणेश नाइक ने कहा कि राजेश भोर एक सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनके आने से बीजेपी की ताकत और बढ़ेगी। वहीं खुद राजेश भोर ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे लोक नेता गणेश नाइक के मार्गदर्शन में एनसीपी नेताओं को सबक सिखाने और बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, पूर्व विधायक संदीप नाइक समेत तमाम बीजेपी नेता भी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेश भोर ने आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, पूर्व विधायक संदीप नाइक, वरिष्ठ नेता दशरथ भगत समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। लोक नेता गणेश नाइक ने राजेश भोर को बीजेपी का झंडा थमाकर पार्टी में प्रवेश कराया। गणेश नाइक ने विश्वास जताया कि राजेश भोर के आने से नेरुल में बीजेपी की ताकत और बढ़ेगी। वहीं जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने कहा कि लोक नेता गणेश नाइक के सफल नेतृत्व के कारण ही नवी मुंबई का विकास हो रहा है और इसीलिए दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता प्रेरित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। राजेश भोर हा पूर्वीपासून माझ्याबरोबरच काम करत होता। ज्यावेळेला आम्ही भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला त्याला राजेश भोर बाहेरगावी गेले होते, म्हणून त्यांना प्रवेश करता नाही आला। नंतरच्या कालखंडात कधी त्यांना संधी मिळाली नाही, आज त्यांना ती संधी मिळाली आणि त्यांनी कारण सांगितलेलं आहे। भारतीय जनता पक्षामध्ये सर्वांना समानता आहे, सर्वांचा सन्मान केला जातो, सर्वांच्या सुखदुःखाची चर्चा केली जाते आणि सर्वानुमते निर्णय घेतला जातो। म्हणून भारतीय जनता पक्षाकडे सर्वच पक्षामधून प्रवेश करणाऱ्यांचा ओढा जास्त आहे। हा राष्ट्र सगळ्यात मोठं, त्याच्यानंतर पक्ष मोठा, पक्षानंतर माणूस मोठा, ही भारतीय जनता पक्षाची रचना आहे। आणि ह्या विचारसरणीला राहून जो जो प्रवेश करेल, राष्ट्रप्रेम, पक्षप्रेम म्हणजे पक्षाची विचारधारणा, आणि मग व्यक्तीला शेवटी महत्त्व असतंच। असं व्यक्तिमत्व निश्चितपणे प्रत्येकाला दुसरे बऱ्याच लोकांना भावण्यासारखं असतं आणि म्हणून या ठिकाणी कोणालाही मना नाही, ज्याला वाटेल त्यांनी यावं। फक्त आता प्रश्न असं की ज्यांचा इतिहास समाजाच्या अनुषंगानं म्हणजे कुठेतरी वादग्रस्त आहे, अशा लोकांना प्रवेश देताना थोडा विचार करावा लागेल, म्हणजे ते थोडं ती छाननी करावी लागेल। वहीं खुद राजेश भोर ने बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी के नेताओं और उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रवादी में उनका दम घुट रहा था, इसलिए उन्होंने अपने पुराने नेता गणेश नाइक के साथ आने का निर्णय लिया। राजेश भोर ने कहा कि उनका लक्ष्य एनसीपी नेताओं को सबक सिखाना और बीजेपी को मजबूत करना है। आइए सुनाते उन्होंने और क्या कुछ कहा। नवी मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी मध्ये जिल्हाध्यक्ष असताना कितीतरी चांगल्या पद्धतीचं प्रवृत्तीचं काम करत असताना सुद्धा आम्ही निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना सुद्धा आणण्याची जाब अशी सामोरं यावं लागले की आमच्यासारख्या जिल्हाध्यक्ष पदाच्या कार्यकर्त्यांना कुचंबणा निर्माण झाली। पक्षामध्ये चाललेल्या अंतर्गत गडबाची कमीत कमी आज वर्ष झाल्यापासून ह्या पक्षामध्ये कमीत कमी चार प्रकारचे चार गट निर्माण झाले। पक्ष संघटना वाढवण्याचं बाजूला राहिलं, ह्यांच्या अंतर्गत हे ऑलरेडी हे वाद चालले। युवक वर्ग चांगल्या पद्धतीत काम करत असतानासुद्धा माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला कुठेतरी दाबण्याचं काम केलं आणि ज्यावेळेला ह्या गोष्टी मला जाणवण्यात आल्या त्यावेळेला मी ह्या गोष्टीचा निर्णय घेतला। म्हणून मी एकच सांगतो की दादांच्या छत्रखाली काम करणारा हा राजेश भोर पुन्हा एकदा दादांकडे त्याच आशेने आलेला आहे की दादांनी प्रत्येक कार्यकर्त्याला चांगल्या पद्धतीची सन्मानपूर्वक वागणूक दिलेली आहे आणि इथून पुढे सुद्धा दादा आमच्या माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याला जी मला जबाबदारी देतील ती मी नक्की पूर्णपणे पार पाडेन। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।